अच्छा ठीक है, मैं बात नहीं है आपकी बात, आप राउंड कर रहे थे ठीक है, 11 बजे जिसका बस का टाइम है अगर वो आधे घंटे पहले निकल रहा है। नहीं यार बस 11 से निकल जाती है ना। एक सेकंड ना, बात सुनने दीजिए ठीक है। आप उस दिन क्यों नहीं असिस्टेंट इंचार्ज के लिए करते हैं जब वो ओवर ड्यूटी करती है सब, और कंसल्टेंट कौन बुलाइए आप? हाँ बुलाइए। क्यों मेरे स्टाफ के साथ आप लोग बदतमीजी करोगे और हम चुपचाप रहेंगे डॉक्टर जी? हाँ ये बताइए आप, एक एक सेकंड, 24 आवर्स एक कंसल्टेंट की ड्यूटी होती है? होती है 24 घंटे क्यों नहीं रहते आप? क्यों ऑन कॉल होती है तो ऑन कॉल घर पे सोने के लिए होता है, घर पे सोने के लिए होता है, मुझे इसकी जवाब दीजिए। नहीं जब आपको रूम दे रखा है तो आप वहाँ बैठिए। आप लोगों को फोर्थ फ्लोर पे आपके रूम है, आप वहाँ पे रहिए। बिल्कुल 24 घंटे, तो ये कहाँ लिखा है कि आप 24 घंटे आप अपने ऑन कॉल रहेंगे तो आप घर में सोएंगे? घर में रहेंगे आप बताइए। गलती एक्चुअली नहीं, गलती आपकी कहीं नहीं, गलती हमारे स्टाफ की है। हमारे स्टाफ की गलती ये है कि ये लोग आप लोगों को सर चलाते हैं ठीक है। अगर जो ये अपनी पे आ जाए तो 24 घंटे में आप कंसल्टेंट की हालत खराब कर देंगे ठीक है। लेकिन ये है अगर ये आपके साथ कोऑपरेट करे तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप कोऑपरेट करें? आपकी रिस्पेक्ट है तो इनकी भी है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, मैंने एक इतने दिन में कभी पेंशन नहीं, ऐसे कैसे रुकवा देंगे ना? हम लोग ने छुड़िया पहननी है क्या दादा? ये बताइए तो गलत चीज है ना, तुम सब ठीक है अगर वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ? नेतागिरी की बात ही नहीं है, क्या नेतागिरी? एक जगह करके इससे पहले मैंने को कभी कुछ नहीं बोला, एक दिन मैंने बोला तो रुक नहीं सकते। नहीं आपको क्या बुला भैया, मेरे स्टाफ ने मुझे बुलाया, अगर मेरे स्टाफ के ऊपर आप बदतमीजी करेंगे, मारेंगे दौड़ेंगे तो ठीक है, काम बंद कर देते 2 घंटे के लिए, तब आपको पता चल जाएगा। बताइए क्या बोला आपको? नहीं कह रहे हैं, पता क्या हुआ, मैंने डबल ड्यूटी किया था एक दिन 4 बजे ड्यूटी का मजा नहीं, मुझे इमीडिएट बुला लिया गया, कोविड में पॉजिटिव आ गई तो सीएनओ ने फोन पे भी कराई तो नाइट ड्यूटी करो, मैंने नाइट ड्यूटी किया, नाइट को ऑफ मिला तो डे में मैंने पूरे ड्यूटी किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि नाइट में मुझे जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो मैंने क्या किया, मंडे मेरी जरूरत थी तो मैंने ऑफ ले लिया ठीक है। सीएनओ को इन्फॉर्म किया, एचओडी को फोन किया, समझ गए, एचओडी को मैंने फोन करके बताया कि मैं मंडे नहीं आऊंगी, जो जनरल ड्यूटी वाले स्टाफ है उसको मैंने बता दिया, इनको नहीं मैंने फोन किया। आप मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए, नहीं हम नहीं लड़ रहे हैं फोन पे, सुन तो कंसल्टेंट है अटेंडेंट नहीं नहीं सर 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 अच्छा ठीक, मैंने एचओडी को पेशेंट के अटेंडेंट नहीं होने चाहिए, मैंने एचओडी को इन्फॉर्म किया, मैंने सीएनओ को इन्फॉर्म किया, जनरल ड्यूटी वाली को उससे इन्फॉर्म किया, तो संडे वो आ जाती है तो मैं मंडे ऑफ देती हूँ, उसका राइट देता है इंचार्ज का काम ठीक है। मैंने बोला बेटा तुम आ जाना क्योंकि मंडे को मैं नहीं आऊँगी, मैं अपना ऑफ लूँगी ठीक है, मैंने अपना ऑफ लिया। तो कह रहे हैं कोविड रिपोर्ट लेके आओ, भैया हमें नहीं पता, एक इतने साथ यहाँ घास खेल रहे हैं, हमको नहीं पता कोविड रिपोर्ट कौन खानी होती, इन्होंने बोला और कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रही है, वो पिछले हफ्ते था वो आप? नहीं तो एक सेकंड, एक सेकंड,
हैं। पहली बात तो आपकी गलती है, आप डबल ड्यूटी कर रही हैं, ऑफ ले रहे, फलाना ले रहे, इनको इनसे क्या मतलब है, फैकल्टी और प्लस आपके एचओडी से भी मतलब नहीं है आपका, आप इंचार्ज हैं। मेरे किसी स्टाफ का राइट नहीं है कि एचओडी से और फलाने ढिकाने से पूछे। ये तमाशा बना लिया है यहाँ पे लोगों ने कि एचओडी से फॉरवर्ड कराओ, ठीक है। नर्सिंग कैडर हमेशा आईएनसी अलग होता है, अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो बना रखा है अभी डायरेक्टर सर से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एचओडी जो भर्ती रहते हैं ना उनको अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल। अगर हाथ उठाएंगे बदतमीजी करेंगे, अगर आप किसी इंस्पेक्टर है तो हमारे स्टाफ की भी है, बोलेंगे आप आए आधे घंटे में राउंड करके चले जाते हो, है सारा रोटी। मैंने 10 साल डॉक्टर जी 10 साल आईसीयू में काम किया, आपको पता है ना, पोस्ट ऑफ में देखा है ना आपने मुझे, नहीं हम नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे, आप बात कर रहे तब आप ये कोई बात नहीं होती आपकी, ठीक है। मैं आई हूँ, मैंने फैमिली ले किया है, तो ऊपर